चोमेला शमशान घाट में भैरवनाथ मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कल भैरव अष्टमी के अवसर पर यहाँ पर विधिवत कार्य का शुभारंभ किया गया। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं श्याम गुरु से, जो कि इस कार्य को अपनी निगरानी में करवा रहे हैं और तंत्र विद्या के भी अच्छे जानकार हैं। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर भैरवनाथ काल भैरव शमशान मंदिर के अंदर जो दो विग्रह आप देख रहे हैं, ये है श्याम बाबा और एक और क्या नाम बताया श्याम जी आपने? आशु मेहरानी। तो इनके बारे में हम श्याम जी से बात करते हैं कि आशु मेहरानी और श्याम बाबा का क्या योगदान है यहाँ इस मंदिर में, बताएं श्याम जी ये आशु मेहरानी और श्याम बाबा जी के बारे में। ये आशु मेहरानी और श्याम बाबा का तांत्रिक क्रियाओं में सबसे बड़ा योगदान है। भारत में सर्वप्रथम शमशान की जो पूजा की जाती है, इनमें इनका बहुत बड़ा महत्व रहता है। जो तांत्रिक क्रिया हुआ या अच्छे बुरे कार्यों में इनका इनके बिना ये कार्य नहीं होते हैं, और ये हर शमशान में भैरू बाबा की प्रतिमा के पास में इनका स्थान हमेशा रहता है और हर भारत के हर शमशान में रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काल भैरव के साथ जो है काली माता का भी जो विग्रह लगाया जाएगा यहाँ पर, और ये मंदिर लगभग एक महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा।